प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने जनपद वासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामना दी, जिसके संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने सभी गोरखपुर वासियों को पृथ्वी दिवस की ढेर सारी बधाई व शुभकामना देते हुए कहा कि पृथ्वी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको हर स्तर पर हम सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो महत्वता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, बदलाव की बातें हो रही हैं, जिसको देखते हुए पृथ्वी दिवस जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों को जागरूक किया गया है और बच्चों ने नाटक के मंचन के जरिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया, जो कि पृथ्वी दिवस के ऊपर था। इसके अलावा जगह जगह पर पौधारोपण किया गया है, जिसमें संस्थान के बच्चे भी भाग ले रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जिले में पौधा लगाया जाए, जिससे पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने कहा, सर्वप्रथम सभी लोगों को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पृथ्वी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है, जो हर स्तर पे हम लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो महत्वता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की हम बातें करते हैं, तो पृथ्वी दिवस एक जागरूक करने के लिए एक अभियान के तौर पर हम लोग चला रहे हैं। इसमें जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, सर्वप्रथम आज सुबह जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उसमें स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक किया कल्चरल प्रोग्राम के तहत, और जो उन छोटे छोटे उन्होंने जो नाटक मंचन किया उसके तहत हम लोगों ने उनको जो पृथ्वी दिवस के ऊपर थीम बनाकर वो मंचन करवाया गया, जिससे बच्चों के बीच में जो देखने वाले हैं टीचर्स के बीच में जागरूकता फैलाई गई। उसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने प्लान किया है, आज दोपहर बाद एक प्लांटेशन ड्राइव हम लोग चलाएंगे, और इसी क्रम में एक क्लाइमेट कंसोर्टियम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल गोरखपुर से बल्कि आसपास के सभी ज़िलों से जो एनजीओ हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनको बुलाया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है, जो और जागरूकता किस तरह फैलाई जाए, जनमानस को किस तरीके से जागरूक किया जाए और इस आंदोलन में अधिक से अधिक जोड़ा जाए, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको क्रियान्वयन करते हुए अगले कुछ दिनों में जो है उसको भौतिक रूप में और ज़मीन पर उसको अमल करवाएंगे।